पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि उनके साथी सुजान सिंह पठानिया के निधन के बाद जिला कांगड़ा के फतेहपुर क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए उनके बेटे फ्रंटलाइनर के रूप में मौजूद हैं। जीएस बाली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त प्रदेश के लोग खासे परेशान हैं, क्योंकि भाजपा कार्यकाल के दौरान जिस प्रकार से प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में गरीब तबके के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जीएस बाली ने कहा कि भाजपा शासनकाल के दौरान कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, महंगाई अपनी चरम पर पहुंच गई है। जीएस बाली ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में जहां डीजल पेट्रोल की कीमतें 40 से 50 के बीच होती थी, अब वे भाजपा कार्यकाल में डीजल पेट्रोल 100 तक पहुँच चुका है। बाली ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान लोगों को सरसों का तेल सस्ता उपलब्ध होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इसके रेट अब दुगने हो गए हैं। अब ये लोगों को 200 रुपए के करीब मिल रहा है। इसके साथ ही डिपो में मिलने वाले दालों के रेट भी बढ़ गए हैं तथा वे भी अब लोगों को 150 से ज्यादा के रेट पे मिल रही हैं। बाली ने कहा कि इस कोरोना काल के दौरान प्रदेश सरकार को आम लोगों की मदद करनी चाहिए, बावजूद इसके सरकार लोगों को नौकरियां ना दिलवा पाने के साथ साथ प्रदेश में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के गांव में रहने और खाने के साधन नहीं हैं, ऐसे में बड़ी परेशानी से लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। जी एस बाली ने कहा कि भाजपा शासनकाल के दौरान विकास कार्य ठप पड़े हैं और आने वाले उपचुनावों में फतेहपुर के लोग भाजपा को पटखनी देकर कांग्रेस को भारी मतों से जीत दिलवाएंगे। इसको आगाज माने, देखिए ये जो उपचुनाव है, ये हमारे साथी श्री सुजान सिंह पठानिया जी के निधन के बाद हो रहा है, और उनके बेटे जो हैं वो फ्रंट रनर हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए। तो इसमें जो लोग हैं इस वक्त वो परेशान हैं बीजेपी सरकार से, मोदी सरकार से, स्टेट में जो बीजेपी की सरकार है उससे। कानून व्यवस्था का बड़ा बुरा हाल है, महंगाई चरम सीमा पर है। जो डीजल पेट्रोल 40-50 रुपए होना चाहिए, वो डीजल पेट्रोल जो है वो 100 रुपए को टच कर रहा है, और जो सरसों का तेल हम लोग 50 रुपए में देते थे लीटर, ये 200 रुपए में दे रहे हैं, और दालें जो है वो 150-150 रुपये टच कर गई हैं। ये एक बड़ा माहौल ऐसा बन गया जहाँ लोग परेशान थे, उनकी मदद होना चाहिए थी। कोरोना के दौरान घरों में डेथ हो गई, लोग स्वर्गवास सुधार गए, उनकी मदद करनी थी। बेरोजगारी चरम सीमा पर चली गई, जो लोग बाहर काम करते थे नौकरी छोड़ के गाँव वापस आ गए, गाँव में उनको कोई खाने का या रहने का साधन नहीं है। तो ये बड़ी परेशानी का दौर जो है उससे गुजर रहे थे। उसमें आकर के बीजेपी ने और डेवलपमेंट के काम बिल्कुल बंद कर दिए। HRTC जो एक साधन था लोगों के पास, गरीब आदमियों के पास सरकारी बस का, वो प्रैक्टिकली बंद हो गई है। तो ये जो है, इन सब चीज़ों को देखते हुए लोग चाह रहे हैं जब इलेक्शन आएंगे, लोग बीजेपी को बुरे तरीके से पछाड़ना चाहते हैं। अब वो सत्ता में हम लोगों को लाना चाह रहे हैं, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम करें, उनकी अपेक्षा से पूरी तरह से हम उतरें। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ के कार्यकर्ता बड़ी गर्मजोशी में हैं, और वो अपने नेता को जिता के लाना चाहते हैं, कांग्रेस का जिसको भी टिकट मिलेगा उसको जिता के लाना चाहते हैं। मगर यहाँ जो मैं महसूस करता हूँ, लीडर कम और कार्यकर्ता ज़्यादा चाहिए, है ना। लीडर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वो दिक्कत है, तो फिर लोकल आदमी उन्हीं को संभालते रहेंगे। तो लीडर कम हो और कार्यकर्ता ज़्यादा हों, उसके साथ हम अपनी अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो है, मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक करूंगा अभी, इसके बाद ये आएंगे, यहीं पे करेंगे हम कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसमें तय कर लेंगे कि हमारी क्या प्लानिंग होगी, स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे हमने इलेक्शन जीतना, वो सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। पर वो बात हमारे लिए है, अपनी प्लानिंग है हमारी, पर ज़्यादा काम जो है वो जो भी कैंडिडेट है उसको करना पड़ेगा। इनके साथ ये इशू बेस्ड इलेक्शन होगा कि जो सुजान सिंह पठानिया जी ने इतने वर्षों में काम किए हैं, जो पेंडेंसी है उन कामों को भी पूरा करना है, तो इन सारे इश्यूज़ को लेकर के काम है। मैंने यहाँ अपने टाइम पे बहुत बड़ा पॉलिटेक्निक दिया था, है ना, तो वो अब बन के तैयार हो गया हुआ है, चल रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत बड़े जो है काम होने हैं,
और पेंडिंग है, पर इस सरकार में किसी को आस नहीं रही है कि काम होंगे।